So hello everyone, welcome back to Goldie's Kitchen. अगर सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म खाने को मिले तो बहुत मजा आ जाता है तो क्यों ना आज मैं उबले हुए आलू और सिवई का एकदम अलग सा नाश्ता बना करके तैयार करूं ऐसा नाश्ता जो शायद आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा और आप इसे एक बार बनाएंगे तो यकीनन आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये नाश्ता इतना ज्यादा टेस्टी है ना कि आप इन्हें बना करके महीनों तक स्टोर करके रख भी सकते हैं और बच्चे हो या बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जी फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी वेज लॉलीपॉप जो बहुत ही सिंपल होगा बहुत ही अलग होगा खाने में बहुत ही क्रिस्पी होगा और बनाने में बहुत ही आसान मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे बनाने में तो आइए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में छोटा सा बेल आइकन को ऐसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आइए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से उबाल लेंगे तो हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि प्रेशर कुकर में आलू बहुत ज्यादा बॉईल हो जाते हैं तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पतीला लिया है और इस पतीले में हमने पानी डाल दिया है फ्लेम को करेंगे ऑन और अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग पांच से छह आलू जिन्हें अच्छी तरीके से मैं वॉश कर लिया है मैंने आलू को आलू डालने के बाद अब मुझे इसे ढक करके अच्छी तरीके से उबाल लेना है तब तक जब तक ये आलू के ऊपर क्रैक नहीं आ जाता है आप चाहे तो बीच बीच में इसे चेक भी कर सकते हैं अगर आप इन आलुओं को कुकर में उबालना चाहते हैं तो सिर्फ एक सीटी तक ही आप इसे उबालना सो फाइनली आलू को हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है इसे हल्का सा ठंडा भी कर लिया था और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये ठंडा भी हो गया है इसी पतीले में मैंने छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि आलू में हल्का सा क्रैक आ गया है तो अब मैं इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लूंगी उसके बाद मैं तैयार करूंगी हमारा बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता आलू और सेवई का बहुत ही क्रिस्पी सा वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लेंगे ताकि मैं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर पाऊं अब हम इसमें उबले हुए आलूओं को डाल देंगे आलू का स्किन मैंने अच्छे से निकाल लिया है और आलू पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं ठंडे आलू से बहुत ज्यादा क्रिस्पी हमारे ये वेज लॉलीपॉप बनेंगे तो चलिए फटाफट से ना अब मैं इन आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लेती हूँ आलू को मैश करने के लिए मैंने यहाँ पे फूक का इस्तेमाल किया है आप मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इससे बहुत ही आसानी से आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं और ये लीजिए आलू को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर लिया है तो आइए अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं सब्जियों में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप के करीब बारीक कटा हुआ प्याज प्याज को हमने बहुत ही बारीक कट कर लिया है आप अगर अनियन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और आप इसमें अपने पसंदीदार कोई वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो मैंने इसमें सिर्फ बेसिक सब्जियों का इस्तेमाल किया है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर देंगे आधा कप के करीब बारीक कटा हुआ अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया आप इसमें गाजर पनीर मशरूम आपको जो बीन्स वगैरह ऐड करना है डाल सकते हैं इनफैक्ट आप इसे और वेरिएशन करने के लिए इसमें मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ लहसुन आप इसे क्रश करके पीस करके जैसा आप चाहें वैसा डाल सकते हैं मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है आप इसमें चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा तीखा बन के लिए चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ इस वेज लॉलीपॉप को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक तैसे हमने मैगी मसाला ले लिया है आप यहाँ पे चाहे तो नॉर्मल कोई मसाला पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे मैगी मसाले का इस्तेमाल किया है अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो हर्ब्स तो आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें ऑरिगेनो हर्ब्स ऐड करेंगे ये टोटली ऑप्शनल है अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच के करीब चाट मसाला ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक स्वाद के अनुसार मिक्सचर में थोड़ा सा बाइंडनेस लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लर पाउडर लगभग दो से तीन बड़े चम्मच के करीब इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो पहले मैं इसे स्पून से मिक्स करती हूँ उसके बाद ज़रूरत लगे तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए तो फाइनली मिक्सर को मिक्स करने के लिए हाथों की बारी आ चुकी है तो अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और इसे डो फॉर्म में हमें बदल देना है सो so फाइनली सभी चीजों को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इसे डो फॉर्म में बदल लिया है तो हाथों पे थोड़ा सा हमें ऑयल लगाना है अब और इन मिक्सचर में से छोटा सा पोर्शन लेना है बहुत ज्यादा बड़ा मत लेना आप ये देखिए इस तरीके से डो हमें गूंथना था एकदम परफेक्ट ऐसा होना चाहिए तो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है अब मुझे करना क्या है इसे एक लॉलीपॉप का शेप देना है और साथ ही में हमें कुछ इस तरीके से से आइसक्रीम स्टिक चाहिए होगी जो बहुत ही आसानी आपको मार्केट में मिल जाएगी गईस तो आइए फटाफट से हम इससे लॉलीपॉप बना लेते हैं तो हाथों पे मैं फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ये देखिए एकदम परफेक्ट ऑयल लगाने के बाद मिक्सचर में से मैं छोटा सा पोर्शन लूंगी बहुत ज्यादा बड़ा हमें नहीं बनाना है इसे इस तरीके से हल्का सा छोटा सा बॉल साइज का इसे इस तरीके से हमें ना सिलेंड्रिकल शेप देना है ये देखिए और हल्का सा प्रेस करते हुए अब मैं स्टिक को बीच में सेंटर में लगा लूंगी और इसे इस तरीके से पलटते हुए ये देखिए फोल्ड करना है ये देखिए जहां अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी खाली है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा डो लगाते हुए इसे अच्छे से शेप दे सकते हैं लॉलीपॉप का एकदम परफेक्ट इस तरीके से हमें बना लेना है तो हल्का सा मैंने इसे फ्लैट कर दिया है और ये देखिए एकदम परफेक्टली ये लॉलीपॉप का शेप बन गया है तो अब मुझे रखना है इसे एक प्लेट में और इसी तरीके से सारे आलू के मिक्सर से हम लॉलीपॉप बना करके तैयार कर लेंगे तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा वेज लॉलीपॉप बन करके तैयार हो गया है तो अब मुझे करना क्या है इसे रख देना है दस से पंद्रह मिनट के लिए फ्रिज में उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है सेट हो रहा है तब तक फटाफट से हम स्लरी बना करके तैयार कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में हमने यहाँ पे बारीक वाली सेवई ले ली है लॉलीपॉप की कोटिंग करने के लिए ये आप चाहे तो यहाँ पर बॉइल्ड जो नूडल्स होते हैं मैगी होते हैं आप उससे कोट कर सकते हैं या फिर आपने देखा होगा मार्केट में मैदे की शीट मिलती है आप उससे भी इन्हें कोट कर सकते हैं बट मैं इसे कोट करने वाली हूँ सेवई से ये बहुत ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं सेवई वाले तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करके देखना मजा आ जाएगा गाइज तो अब हम फटाफट से इस सेवई को अच्छे से तोड़ लेंगे एकदम बारीक बारीक सेवई भी तैयार है कोट करने के लिए तो आइए फटाफट से हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्लरी बना लेते हैं स्लरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा बोल ले लिया है इस बोल में हमें डाल देना है मैदा हम इसमें दो से तीन चम्मच के करीब मैदा ऐड करेंगे मैदा डालने के बाद एक चम्मच के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ये ऑप्शनल है गाइस नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार और अब मुझे इसमें पानी डाल करके एकदम परफेक्ट थोड़ी सी गाढ़ी वाली स्लरी बना करके तैयार करनी है जो बहुत ही आसानी से वेज लॉलीपॉप के ऊपर कोट हो जाए और ये देखिए परफेक्ट स्लरी हमारी रेडी हो चुकी है तो अब हम फटाफट से बनाएंगे वेज लॉलीपॉप तो सबसे पहले हम इसे कोट करना है तो एक हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ना फ्रिज में से मैंने इसे निकाल लिया था बहुत अच्छे सेट हो गया है तो अब आ रही है फटाफट से लॉलीपॉप को कोट करने की तो एक हमने यहाँ पे लॉलीपॉप वाली स्टिक ले ली है इसे डाल देना है स्लरी में बहुत ही आसानी से डालना है अगर आपको लगे कोट नहीं हो पा रहा है तो स्पून से आप अच्छी तरीके से इसे कोट कर सकते हैं स्लरी में अच्छी तरीके से डिप करने के बाद अब मुझे इसे डाल देना है सेवई के ऊपर और सेवई से अच्छी तरीके से कोट करना है ये देखिए एकदम परफेक्ट इस तरीके से अपने हाथों से हमें इसे शेप भी दे देना है और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे बढ़िया सा शेप दे दिया है चारों तरफ से आप देख सकते हैं सेवई से हमने इसे कोट कर लिया है तो अब क्या करना है इसे रखना है एक प्लेट पे अगर आप इसे महीनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो बस इस तरीके से इसे प्लेट पे रखिए और इसे फ्रिज में डाल दीजिए आप चाहे जो जिप लॉक वाली बैग होती है आप उसमें डाल करके इसे बहुत ही आसानी से फ्रिज में डाल दीजिए और इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं बस बच्चों की डिमांड होगी आपको इन्हें फ्राई करना है आप चाहे तो इसमें चीज भी एड करेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा तो आइए फटाफट से इसी तरीके से सारे वेज लॉलीपॉप बना करके तैयार कर लेते हैं और ये लीजिए हमारी बहुत ज्यादा टेस्टी सी हमारी वेज लॉलीपॉप रेडी है फ्राई होने के लिए जो बहुत ही अच्छी दिख रही है तो अब बारी फटाफट से इन्हें फ्राई करने की तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए रख दिया था ऑयल अच्छे से गर्म है तो अब मैं एक बारी में तीन तीन करके डालूंगी ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए एकदम परफेक्ट बहुत ही पेशेंस के साथ डालना आप बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है सोचिए खाने में कितना ज्यादा टेस्टी होगा तो फटाफट से हम इसे अच्छी तरीके से फ्लिप करते हुए अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे याद रखिएगा फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई मत करना मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है अच्छे से तो लीजिए हमारे बहुत ज्यादा टेस्टी से वेज लॉलीपॉप रेडी हो गए हैं जो बहुत ज्यादा क्रिस्पी है खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार दिख रहा है अगर आपने इसमें चीज डाल देंगे तो और ज्यादा टेस्टी लगेगा सो वेज लॉलीपॉप बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है क्रिस्पी है काफी कलर भी बहुत अच्छा आया है तो अब हम फटाफट से इसे एक टिश्यू पेपर पर पे ट्रांसफर करेंगे और इसी तरीके से सारे वेज लॉलीपॉप फ्राई करके तैयार कर लेंगे तो लीजिए इस बहुत ज्यादा टेस्टी सा हमारा वेज लॉलीपॉप बन करके तैयार हो गया है जिसे हमने बहुत ही अच्छे से गार्निश कर दिया है और खाने बहुत ज्यादा टेस्टी है एकदम क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है आप देख सकते हैं सेवई बहुत ही अच्छे से कोट हुआ है इसपे बहुत ही अच्छा लगता है एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना तो अब मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस भी चेक करके दिखाती हूँ तो आपने देखा बाहर से कितना ज्यादा क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है मॉइस है बहुत ज्यादा टेस्टी है मैंने इसे सर्व किया है, होम चटनी के साथ. इसकी रेस्पी आपको वेज लॉलीपॉप सेवई के साथ कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर दे दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में छोटा सा होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे